नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यात्री सुविधा में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी नंबर है 14258, यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। यह एक एक्सप्रेस ट्रेन है और यह हफ्ते के सातों दिन चलती है, मतलब दोस्तों ये एक डेली ट्रेन है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 794 किलोमीटर का सफ़र लगभग 17 घंटे 5 मिनट में तय करती है। इसके 32 स्टॉप हैं। अगर इसके एवरेज स्पीड की बात करी जाए तो इसकी एवरेज स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आइए अब जान लेते हैं इसके कोच के बारे में। इसके कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें जो कोचेस उपलब्ध हैं वो हैं फर्स्ट क्लास एसी कोच, सेकेंड क्लास एसी कोच, थर्ड क्लास एसी कोच, स्लीपर कोच तथा जनरल कोच। अगर दोस्तों टिकट के किराए की बात करें तो इसके लिए आप रेलवे की वेबसाइट IRCTC पर विजिट कर सकते हैं तथा रेलवे काउंटर से भी पता कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इसके रूट के बारे में कि ये किन किन स्टेशनों से होकर गुजरती है, वहाँ कितने बजे पहुँचती है तथा वहाँ से कितने बजे निकलती है और यहाँ वहाँ पर उसका स्टॉप टाइम कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 11:35 पर रवाना होती है। इसका पहला स्टेशन है गाजियाबाद, जहां यह दोपहर 12:15 पर पहुंचती है तथा यहां से 12:17 पर रवाना होती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका दूसरा स्टेशन है पिलखुआ, जहाँ ये दोपहर 12:42 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 12:44 पर रवाना होती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका तीसरा स्टॉप है हापुड़, जहाँ ये दोपहर 1:02 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 1:04 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका चौथा स्टेशन है गढ़मुक्तेश्वर, जहां ये दोपहर 1:28 पर पहुंचती है तथा यहां से 1:30 पर रवाना होती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका पांचवा स्टेशन है गजरौला जंक्शन, जहां ये दोपहर 1:50 पर पहुंचती है तथा यहां से 1:52 पर रवाना होती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका छठा स्टेशन है अमरोहा, जहाँ ये दोपहर 2:19 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 2:21 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका सातवां स्टेशन है मुरादाबाद, जहाँ ये दोपहर 3:07 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 3:15 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 8 मिनट का स्टॉप है। इसका आठवां स्टेशन है रामपुर, जहाँ ये दोपहर 3:43 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 3:45 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका नौवां स्टेशन है बरेली, जहाँ ये शाम 4:42 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 4:44 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका दसवां स्टेशन है पीताम्बरपुर, यहाँ ये शाम को 5:06 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 5:08 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका ग्यारहवां स्टेशन है तिलहर, जहाँ ये शाम को 5:38 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 5:40 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका बारहवां स्टेशन है शाहजहाँपुर, जहाँ ये शाम को 6:08 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 6:10 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका तेरहवां स्टेशन है आंझी शाहबाद, यहाँ ये शाम को 6:37 पर पहुँचती है तथा यहाँ से 6:39 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इसका
14वां स्टेशन है हरदोई, जहां ये शाम को 7:08 पर पहुंचती है तथा यहां से शाम को 7:04 पर पहुंचती है तथा यहां से 7:06 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 15वां स्टेशन है बालामऊ जंक्शन, जहां ये शाम को 7:32 पर पहुंचती है तथा यहां से 7:34 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 16वां स्टेशन है संडीला, जहां ये शाम को 7:56 पर पहुंचती है तथा यहां से 7:58 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 17वां स्टेशन है लखनऊ, जहां ये रात को 9:05 पहुंचती है तथा यहां से 9:20 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका लगभग 15 मिनट का स्टॉप है। इसका 18वां स्टेशन है बछरावा, जहां ये रात को 10:13 पहुंचती है तथा यहां से 10:15 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका लगभग 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 19वां स्टेशन है रायबरेली जंक्शन, जहां ये रात को 11:05 पहुंचती है तथा यहां से 11:10 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका लगभग 5 मिनट का स्टॉप है। इसका 20वां स्टेशन है जायस, जहां ये रात को 11:36 पहुंचती है तथा यहां से 11:38 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 21वां स्टेशन है गौरीगंज, जहां ये रात को 11:58 पर पहुंचती है तथा यहां से 12:00 रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 22वां स्टेशन है अमेठी, जहां ये रात को 12:12 पर पहुंचती है तथा यहां से रात को 12:14 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 23वां स्टेशन है अंतु, जहां ये रात को 12:31 पहुंचती है तथा यहां से 12:32 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसका 24वां स्टॉप है प्रतापगढ़ जंक्शन, जहां ये रात को 1:05 पर पहुंचती है तथा यहां से 1:10 पर रवाना होती है। यहां इसका लगभग 5 मिनट का स्टॉप है। इसका 25वां स्टेशन है दांदूपुर, जहां ये रात को 1:24 पहुंचती है तथा यहां से 1:25 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका लगभग 1 मिनट का स्टॉप है। इसका 26वां स्टॉप है बादशाहपुर, जहां ये रात को 1:49 पहुंचती है तथा यहां से 1:51 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप टाइम है। इसका 27वां स्टॉप है जंघई जंक्शन, जहां ये रात को 2:08 पहुंचती है तथा यहां से 2:10 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका लगभग 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 28वां स्टेशन है सूर्यावन, जहां ये रात को 2:26 पहुंचती है तथा यहां से 2:28 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका लगभग 2 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों, इसका 29वां स्टॉप है भदोही, जहां ये रात को 2:42 पहुंचती है तथा यहां से 2:44 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका लगभग 2 मिनट का स्टॉप है। इसका 30वां स्टेशन है पारसीपुर, जहां ये लगभग रात को 2:53 पर पहुंचती है तथा यहां से 2:55 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों, इसका अगला स्टॉप है सेवापुरी, जहां ये रात को 3:18 पर पहुंचती है तथा यहां से 3:20 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन है चौखंडी, जहां ये रात को 3:33 पर पहुंचती है तथा यहां से 3:35 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। और लास्ट में ये पहुंचती है वाराणसी जंक्शन। दोस्तों, यहां पर ये 4:35 पर पहुंचती है सुबह में और यहां इसकी यात्रा समाप्त होती है।
तो इस वीडियो हमने जाना काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगली किस ट्रेन की वीडियो चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबको यूं ही मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।